हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आर चैनल स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट कर ली थी तो आज हम मिसलेनियस एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज आज हम करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 28 देखिए ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स काफी इंपॉर्टेंट है तो किसी को भी आप छोड़िए नहीं एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी देखिए शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटर एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल आपको शो करना है कि जो कैटरक्ट में सेट ऑफ लेटर सेटर इनका जो सेट है वो बराबर है एक्स तो सेट को, दे तो को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं सी ए टी आर बाकी सब रिपीट हो रहे हैं तो जब भी हम लेटर्स लिखते हैं तो रिपीटेड लेटर्स नहीं लिखते हैं तो इसमें c a t r लेटर आ गए ऐसे ही अगर मैं ट्रैक लेटर अ, सेट की बात कर रही हूं तो उसको मैंने y नाम दे दिया तो लेट y बी द सेट ऑफ लेटर्स इन ट्रैक तो y को जब हम डिफाइन करेंगे तो ट्रैक में कौन से लेटर आ रहे t r a c t तो t r a c t मतलब इसमें भी तो t रिपीट हो रहा तो बेसिकली t r a c इसमें लेटर्स आ रहे हैं तो अगर आप देखेंगे x में और y में तो टी आ रहा है दोनों में आर आ रहा है ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हैं अगर बराबर है तो दो लेट जो सेट्स हैं वो इक्वल होते हैं जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स बराबर होते हैं तो आप लिख सकते हैं सिंस एवरी एलिमेंट इन एक्स इज इन वाई जितने भी एक्स में एलिमेंट्स हैं वो सब वाई में है एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज इन एक्स और जितने वाई में है वो सब एक्स में है देयर फॉर वी कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू वाई तो जो दोनों सेट है वो आपस में बराबर आ जाएंगे ठीक है एग्जाम्पल देखिए सबसेट आपने बताने हैं, मतलब इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं कितने निकल सकते हैं तो देखो सबसेट पहले हम लिख लेते हैं हर एक सेट में एक सबसेट तो फाइव होता है तो एक तो फाइव लिख लेंगे एक कितना है माइनस वन एक सेट बन गया कर ली ब्रेसेस में एक एलिमेंट जीरो इसका भी एक सेट बन सकता है एक वन एलिमेंट है उसका भी सेट बन सकता है अब एक एक करके लिख दिया अब दो 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 करके लिख लेते हैं माइनस वन और जीरो का एक सेट बन सकता है ठीक है माइनस वन एंड वन का एक सेट बन सकता है ऐसे ही जीरो और वन का सेट बन सकता है तो दो दो के कॉम्बिनेशन में भी हो गए और एक ये तीनों का रह गया माइनस वन जीरो वन तो ये आपने सिंगल सिंगल भी लेना है डबल भी लेना है फिर एक बार तीनों का ले लेना है तो ये आपके सारे के सारे सबसेट्स बन गए ऐसे एग्जाम्पल नंबर थर्टी देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्टी में आपको बोला है कि शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी मतलब ए और बी जो सेट है वो आपस में बराबर दे रखा है ठीक है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आपको करना है ठीक है तो अब कैसे करते हैं देखो सबसे पहले एक ए मैंने एलिमेंट ले लिया जो कि ए सेट को बिलोंग करता है क्या लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए ये कैपिटल ए सेट है स्मॉल ए इस सेट को बिलोंग करता है ठीक है अगर ये ए कैपिटल ए सेट को बिलोंग करता है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ए जो है वो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करता होगा क्योंकि अगर ए सेट में ये स्मॉल ए आ रहा है तो जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसमें ए तो आ ही रहा होगा सिंस हमें पता है कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है ठीक है अब यहां पे ये चीज आपको शो करनी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी तो अगर हमें ये चीज बराबर दे रखी है यानी कि जो ए है वो ए इंटरसेक्शन बी को भी कर रहा होगा बिलोंग ठीक है दोबारा से समझा रही हूँ आपको थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये चीजें देखो अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एक एलिमेंट है ए ठीक है जो ये एक एलिमेंट है ये इस सेट को बिलोंग कर रहा है मैंने मान लिया लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तो जब ए कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है तो ए ए यूनियन बी सेट को भी बिलोंग कर रहा है बिकॉज ए यूनियन बी ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिला के ठीक है तो उसमें अगर इस दोनों को मिला रहे हैं तो इसका ए एलिमेंट भी तो आ ही जाएगा जब मिला रहे हैं अब आपको पता है कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो अगर मैं बोल रही हूं कि ए यूनियन बी को ए सेट बिलोंग कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी को भी ए सेट बिलोंग कर रहा होगा ठीक है अब अगर आ ही गया है कि इंटरसेक्शन बी को ए सेट बिलोंग कर रहा है मतलब दोनों के कॉमन पोर्शन में ए आ रहा है तो कॉमन में आ रहा है मतलब वो बी में भी एग्जिस्ट करता होगा तो स्मॉल ए जो है वो बी को भी बिलोंग करता है ठीक है देयर फोर मैं ये कह सकती हूं कि अगर बी सेट में भी ए आ रहा है तो जो ए सेट होगा वो बी का सबसेट है क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ रहे हैं ठीक है सिमिलरली उल्टा करते हैं इफ अगर मैं मान लेती हूँ स्मॉल बी बी सेट को बिलोंग कर रहा है जैसे हमने ए को किया था सिमिलरली बी बी को बिलोंग कर रहा है तो बी जो है वो ए यूनियन बी को भी बिलोंग करेगा फिर से ए यूनियन बी तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो बी ए इंटरसेक्शन बी को भी बिलोंग करेगा मतलब बी जो है वो ए सेट को भी बिलोंग कर रहा है यानी कि जो बी है वो ए का सबसेट है मतलब जो हमने यहां तक किया है ना उसी का ऑपोजिट आगे करना है यहां तक हमने स्मॉल ए को ए सेट का बिलोंग किया था यहां से स्मॉल बी को बी सेट का और रिजल्ट क्या निकला कि ए सबसेट है बी का यहां से रिजल्ट क्या निकला बी सबसेट है ए का तो अब देख सकते हो जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है मतलब दोनों में एलिमेंट्स बराबर है यानी कि ए सेट और बी सेट बराबर है ठीक है तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर लेना कि शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दिस वो कहना चाह रहे हैं कि ये बराबर है इससे बताओ कि ए इज इक्वल टू बी आ सकता है या नहीं ठीक है अब एग्जाम्पल नंबर थर्टी वन अभी हम नहीं करेंगे बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स में ये कटवा देते हैं तो अगर आपके स्कूल्स में करवाई जाएगी तो ही हम इसको इंक्लूड करेंगे अदरवाइज नहीं एग्जाम्पल नंबर थर्टी टू पे मूव करते हैं थर्टी टू एग्जाम्पल में आपको बोला है अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ थाउजेंड कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट सेवन ट्वेंटी लाइक ए फोर ट्वेंटी लाइक बी वॉट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ प्रोडक्ट्स अब देखो टोटल थाउजेंड कंज्यूमर्स की मार्केट थी मतलब यूनिवर्सल सेट थाउजेंड है ए प्रोडक्ट कितने लाइक कर रहे हैं 720 तो इन्होंने उसको एस नाम दिया है सेट को जो प्रोडक्ट ए लाइक कर रहे हैं आप ए बी भी, भी दे सकते हो कोई इशू नहीं है उसमें तो आप यहां पे एस जो है वो 720 लाइक करते हैं और 450 फिफ्टी टी लाइक करते हैं तो ये हो गया अब आपके पास इन्होंने एक और चीज दे रखी है कि पूछा है सॉरी व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बोथ हैव तो जो बोथ वाला होता है आपको पता है कि वो इंटरसेक्शन होता है ठीक है ये जो बोथ वर्ड है ये इंटरसेक्शन है तो हम फॉर्मूला वही लगा देते हैं एन यूनियन इज इक्वल टू एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी ठीक है Ns Ns t. अब आप एन एस सेवन ट्वेंटी है ये टी फोर फिफ्टी है माइनस ये आएगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी आ गया बिकॉज यहां पे यूनियन भी नहीं पता है अब यूनियन भी नहीं पता है हमें बट यूनिवर्सल सेट तो पता है तो जो आपके पास यूनिवर्सल है यानी कि इन दोनों की वो यूनियन है तो इधर हम क्या ले लेते हैं थाउजेंड अब थाउजेंड इलेवन सेवेंटी में से जब थाउजेंड माइनस कर दोगे तो आपके पास वन सेवेंटी आंसर आ जाएगा ये आपके पास इंटरसेक्शन है तो बेसिकली वही आपने इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे आप इसको यूनिवर्सल भी मान सकते हो यहाँ पे यूनियन भी मान सकते हो यहाँ पे आप वैल्यू थाउजेंड लिख सकते हो तो जो इधर 170 इधर आके माइनस होगा तो माइनस वन और माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी माइनस माइनस कैंसिल एन एस इंटरसेक्शन टी आपके पास 170 सेवेंटी आ गया तो लीस्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो बोथ प्रोडक्ट लाइक करते हैं वो 170 होगा ठीक है एग्जाम्पल नंबर 33 पे आ जाइए आई वो टो तो फिफ्टी फाइव हंड्रेड कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड फोर हंड्रेड ओन्ड कार ए टू हंड्रेड ओन्ड कार बी फिफ्टी ओन्ड बोथ ए एंड बी कार्स इज द डेटा करेक्ट तो आपको बेसिकली बोला है कि टोटल इतनी कार्स थी ए के इतने ओनर्स हैं बी के इतने ओनर्स हैं और बोथ वाला आपको इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपको 50 दे रखा है तो बोल रहे हैं क्या ये डेटा करेक्ट है तो डेटा तभी करेक्ट होगा जब फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आएगी तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए उन्होंने यहाँ पे यू सेट ले लिया जो ए कार के ओनर का है और एम uh, सेट ले लिया जो बी कार के ओनर्स का है ठीक है आप ए ए एंड बी भी ले सकते हो जैसे भी आपका मन करे तो अगर इन्होंने ये एस एंड एम फॉर्मूला लिया है तो यूनियन के, के बराबर क्या होगा फॉर्मूला ये कहता है कि एन एस यूनियन एम इज इक्वल टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एम माइनस एन एस इंटरसेक्शन एम तो अगर मैं एन ऑफ एस देखूं तो कितना है वो फाइव हंड्रेड में से एक की कितनी है फोर हंड्रेड तो आप फोर हंड्रेड डाल देंगे N of M देखूं तो 200 है, तो, प्लस 200 तो है इंटरसेक्शन बोथ वाले इंटरसेक्शन होते हैं कि फिफ्टी माइनस फिफ्टी तो टू हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड माइनस फिफ्टी कितना हो जाएगा फाइव फिफ्टी तो फाइव फिफ्टी आना चाहिए टोटल क्योंकि इनका फाइव फिफ्टी किसकी वैल्यू आई है यूनियन की यूनियन की आई है तो यूनियन तो यहाँ पे 500 दे रखे आपके पास 550 आ रही है पूछा क्या ये डेटा करेक्ट है तो डेटा करेक्ट नहीं है आप लिख सकते हो कि यूनियन जो है वो लेस जो आपका यहां पे 550 आ रहा है वो क्या होना चाहिए लेस देन यूनिवर्सल सेट होना चाहिए बट आपका यूनिवर्सल सेट अगर 500 है उससे ज्यादा तो आपकी यूनियन आ रही है तो ये चीज तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि यूनिवर्सल सेट के ज्यादा आपकी यूनियन आ यूनिवर्सल सेट से बड़ा यूनियन नहीं हो सकता तो दिस इज अ अंट्रोडिक्शन सो गिवन डेटा इज इनकरेक्ट ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्टी फोर हम करते हैं थर्टी फोर एग्जाम्पल भी काफी इंपॉर्टेंट है आपको बोला है अ कॉलेज अवॉर्डेड थर्टी एट मेडल्स इन फुटबॉल फिफ्टीन इन बास्केटबॉल ट्वेंटी इन क्रिकेट तो जब आपको ऐसे दो तीन चीजें आ जाती हैं तो आप बेटर है कि वेन डायग्राम्स बना लीजिए उससे आपको इजिली क्लियर हो जाएगा तो अभी वेन डायग्राम के थ्रू ही सारी चीजें देखेंगे इफ दीज मेडल्स वेंट ऑन टू अ टोटल ऑफ फिफ्टी एट मैन ये सारे मेडल्स 58 मेन के पास चले गए मतलब तीनों की फुटबॉल बास्केटबॉल एंड क्रिकेट तीनों की यूनियन कितनी है 58 इंडिविजुअल आपको ये दे दिए ओनली थ्री मेन गॉट मेडल इन ऑल द थ्री स्पोर्ट्स तीन ही मेन ऐसे थे जिनको तीनों में मिली मतलब तीनों में कॉमन मिली कॉमन का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन तो यानी कि फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन क्रिकेट वो आपके पास कितना दे रखा है थ्री दे रखा है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स मतलब तीनों में से कम से कम दो में जो है एग्जैक्टली exactly दो में किन को मेडल मिले अब वेन डायग्राम से इसको समझते हैं देखो आपके पास तीनों पहले आपने ऐसे इवेंट डायग्राम बना लेना ये आपका यूनिवर्सल सेट है ये सेट फुटबॉल का है ये बी क्रिकेट बॉल का है सी जो बी जो है वो बास्केटबॉल का है सी आपके पास क्रिकेट का है ठीक है अब देखो फुटबॉल एंड बास्केटबॉल में जो कॉमन आ रहा है वो ए एंड डी आ है फुटबॉल एंड क्रिकेट में जो कॉमन आ रहा है बी एंड डी आ रहा है बास्केटबॉल एंड क्रिकेट में कॉमन डी एंड सी आर ठीक है अब क्या क्या दे रखा है आपको पहले तो फुटबॉल के नंबर आपको थर्टी एट दे रखे थे क्वेश्चन में बास्केटबॉल के फिफ्टीन दे रखे थे क्रिकेट के ट्वेंटी दे रखे थे और फिर बोला था कि सबको मेडल जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो फिफ्टी एट था यानी कि फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट फिफ्टी दे रखा है और बोला है तीन ही लोग ऐसे थे जिनको तीनों में मिले यानी कि कॉमन में मिले यानी कि तीनों की इंटरसेक्शन वो आपको थ्री दे रखी है ठीक है अब जब मैंने आपको फार्मूला करवाए थे यूनियन इंटरसेक्शन के तो उसमें एक बड़ा वाला फार्मूला मैंने करवाया था वो तब यूज होता है जब तीन चीजें दी हो तो उसमें ये वाला फॉर्मूला है कि तीनों की इंटरसेक्शन किसके बराबर होगी तीनों के नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है उनके सम के बराबर माइनस तीनों की इंटरसेक्शन प्लस क्या करना है तीनों की यहां इंटरसेक्शन यहां पे दो दो के पेयर लेके इंटरसेक्शन करना है प्लस ये कुछ नहीं है ये एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था ठीक है ये तब यूज होता है जब तीन चीजें दी हो ओके okay? अब देखो आपके पास यहां पे अगर आप देखो तो आपको निकालना है कि ऐसे कौन से हैं जिनको एग्जैक्टली exactly दो में मिला हो तो दो में मिला हो तो दो का कॉमन होना चाहिए मतलब या तो फुटबॉल और बास्केटबॉल का कॉमन या फुटबॉल और क्रिकेट का कॉमन या बास्केटबॉल और क्रिकेट का कॉमन मतलब आपने तीनों के कॉम्बिनेशन का प्लस निकालना है ये पूछा हुआ है ठीक है अब देखो इस फॉर्मूला में डालते हैं तो तीनों की यूनियन आपके पास क्या दे रखी है फिफ्टी एट इसकी जगह फिफ्टी एट डाल देंगे इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है थर्टी एट प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है फिफ्टीन सी की वैल्यू दे रखी है ट्वेंटी माइनस अब इसकी इंटरसेक्शन तो नहीं दे, इसकी नहीं दे रखी इसकी भी नहीं दे रखी इसकी भी नहीं दे रखी तो तीनों को एज इट इज लिख लेंगे प्लस फिर तीनों की इंटरसेक्शन तीनों की इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट तो हमें थ्री दे रखे यहां पे थ्री डाल देंगे अब यहां से देखेंगे कि ये 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 तीनों टर्म हमारे पास मिसिंग थी इन तीनों को क्या आंसर आ जाएगा एटीन आ जाएगा इन तीनों का आंसर ठीक है अब आप बोलोगे यहां पे माइनस है यहां पे प्लस कैसे आया जब आप वैल्यूज इसमें डालोगे तो ये सारी की सारी आप लेफ्ट साइड पे ले जाना ये प्लस हो जाएगा और आपका आंसर एटीन आ जाएगा ठीक है अब देखो इससे आगे हमने क्या करना है अब अगर मैं एफ इंटरसेक्शन बी की बात बोलू वेन डायग्राम से एफ और बी में कॉमन पार्ट तो कॉमन कौन सा है ये वाला पार्ट यानी कि ए प्लस तो एफ इंटरसेक्शन बी को यहां से देखो ए प्लस लिखा हुआ है ठीक है अब F इंटरसेक्शन C F और C में कॉमन पार्ट B और D है तो उसको क्या लिख दिया B प्लस डी ऐसे ही B इंटरसेक्शन C B और C में कॉमन पार्ट कौन सा ये वाला D प्लस सी तो उसको D प्लस सी लिख दिया इज इक्वल टू तो 18 है क्योंकि इसका आंसर 18 है अब देखो आपके पास एक D यहां पे आ गए एक D यहाँ पे D D D तीन टाइम प्लस कर दोगे तो थ्री टाइम्स D हो गया अब D बेसिकली है क्या ये वाला पोर्शन है ये वाला पोर्शन क्या है जो एफ बी और सी में कॉमन आ रहा है मतलब तीनों की इंटरसेक्शन और तीनों की इंटरसेक्शन क्या है थ्री तो यहां पे डी 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 थ्री डी में आप डी की जगह क्या डाल दोगे थ्री वैल्यू डाल दोगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू नाइन आ जाएगी यानी कि ए बी सी की वैल्यू नाइन का मतलब ए क्या है जो एफ और बी में कॉमन आ रहा था बी इन दोनों में सी इन दोनों में डी तो वो वाला पोर्शन है जो तीनों में कॉमन आ रहा है बट इंडिविजुअली देखें तो दो दो स्पोर्ट्स जो है एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स में आपको पूछा था कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्जैक्टली टू स्पोर्ट्स में विन किया है तो इन दोनों में से ए है इन दोनों में से बी और इन दोनों में से सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी आपसे पूछा है तो यहां पे आप निकाल लोगे ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया नाइन यानी कि नंबर ऑफ पीपल हु गॉट मेडल इन एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स वो कितने हैं नाइन है ये आपकी अब एग्जाम्पल थी तो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आज हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन करेंगे यही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो हम इनको पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन जो है इन अ सर्वे ऑफ सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट इन अ स्कूल वन फिफ्टी स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी टू ट्वेंटी फाइव टेकिंग कॉफी हंड्रेड टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी ठीक है तो अगर मैं टी की बात करूं तो टी की एन ऑफ टी अगर मैं बोलूं तो क्या होगा 150 अगर एन ऑफ कॉफी यानी कि अगर कॉफी को मैं सी लेती हूं तो कॉफी को बोलूं तो 225 बोथ मतलब इंटरसेक्शन टी और कॉफी की इंटरसेक्शन 100 आ गई फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर टी ना तो टी नॉ ही कॉफी तो इसको हम कैसे करेंगे देखो आपके पास टी के इतने आ गए कॉफी के इतने आ गए दोनों की इंटरसेक्शन इतनी आ गई अब आपको फॉर्मूला तो पता है ना अगर लगाना हो तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ कॉफी माइनस एन ऑफ कॉफी इंटरसेक्शन टी यही होता है तो कॉफी और इनकी यूनियन तो हमें नहीं पता टी हमें पता है वन फिफ्टी ये पता टू ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फाइव यानी कि यूनियन आ गई टू सेवेंटी फाइव अब दोनों मिलके यानी कि ये पीते हैं हमें क्या चाहिए ना तो कॉफी ना तो टी तो नीदर वाला केस कैसे निकालते हैं कि टोटल जो यूनिवर्सल सेट था यूनिवर्सल सेट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी सिक्स हंड्रेड थे टोटल स्टूडेंट तो सिक्स हंड्रेड में से हम यूनियन निकाल देंगे तो जो लोग बचते हैं वो ना तो कॉफी पीते हैं ना टी पियेंगे यही होगा ना अगर आप ये यूनिवर्सल सेट बनाओ इसमें कॉफी के हैं इसमें टी है सी सेट ये टी सेट ये यूनिवर्सल सेट मुझे ऐसा चाहिए ना ना तो कॉफी पीता हो, ना टी पीता टी मतलब इन दोनों की यूनियन को मिला के मैं यूनिवर्सल में से माइनस कर दे, तो जो बाहर वाले होंगे वो ना तो कॉफी के ना टी के तो वही आपको बताना है ठीक है तो इसमें बस आपको करना ज्यादा कुछ नहीं होता आपको अगर समझ में आ जाए कि यूनियन दिया इंटरसेक्शन दिया तो आप इजिली कर सकते हो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं आपको बोला इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हंड्रेड स्टूडेंट्स नो हिंदी फिफ्टी नो इंग्लिश ट्वेंटी फाइव नो बोथ हिंदी के हंड्रेड इंग्लिश के फिफ्टी ट्वेंटी फाइव बोथ मतलब इंटरसेक्शन दे रखी है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो इधर हिंदी और इंग्लिश कोई हिंदी जानता है या फिर कोई इंग्लिश जानता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं तो बेसिकली इसमें आपको पूछा है यूनियन वो टोटल स्टूडेंट्स कितने तो अगर मैं हिंदी के एच मानती हूँ वो हंड्रेड आई इंग्लिश के ई मानती हूँ तो वो फिफ्टी है दोनों के बोथ कॉमन में ट्वेंटी फाइव तो आपको बेसिकली एच यूनियन ई निकालना है तो आपके पास क्या होता है एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस इंटरसेक्शन सॉल्व करोगे तो आपके पास यूनियन कितने वन ट्वेंटी फाइव अब आप बोलोगे यूनियन टोटल कैसे हुआ ये कैसे श्योर हो उन्होंने बोला है कि हर स्टूडेंट या तो हिंदी जानता है या इंग्लिश जानता है मतलब दोनों को मिला के टोटल आ ही जा

अब इसी चीज को ना वेन डायग्राम से समझते हैं वेन डायग्राम देखो कितना सिंप्लीफाई कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को अब आपको पता है कि आपको तीन तरीके के न्यूज दे रखे क्वेश्चन में एच टी ती आई तीन तरीके के दे रखे हैं। आपने एक यूनिवर्सल सेट बनाना है एक सर्कल एच का एक सर्कल आई का एक सर्कल टी का ये दे रखा है अब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट बोली है इन अ सर्वे ऑफ सिक्सटी पीपल यानी कि टोटल कितने लोग हैं सिक्सटी अब मैं देख लेती हूं कि हर सर्कल में देखो ये पोर्शन सिर्फ ए का है ये पोर्शन कॉमन आ रहा है ये डी सी ये मैंने नाम लिख दिए ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी पोर्शन है ना सबके नाम लिख दिए अब टोटल तो सिक्सटी पीपल थे यानी कि जितने भी पोर्शन होंगे सबको मिला के सिक्सटी आ रहा होगा तो यूनिवर्सल सेट क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी तो ये सबको मिला के कितना आ गया सिक्सटी अब अगला अगली स्टेटमेंट क्या बोली है ट्वेंटी फाइव पीपल रीड न्यूज पेपर एच जो एच पढ़ते हैं यानी कि जो एच पढ़ते हैं वो ट्वेंटी फाइव पढ़ते हैं एच में कौन कौन से लोग आ रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो ये ट्वेंटी फाइव है अगला क्या बोला है ट्वेंटी T. तो T में कौन लोग आ रहे हैं बी सी एफ जी सबको प्लस करके ट्वेंटी सिक्स ऐसे अगला आए कितना है वो भी ट्वेंटी सिक्स है तो आए जो है डी प्लस सी प्लस सी प्लस एफ सबका प्लस करके ट्वेंटी सिक्स आ गया उसके बाद इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई का आंसर मतलब कितना Nine. अब ये 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 रहा रहा दोनों का intersection मतलब ये common part. Common part मतलब D plus C कितना है Nine. अगला इलेवन रीड बोथ एच एंड टी जो इलेवन लोग हैं वो एच एंड टी पढ़ते हैं ठीक है बोथ मतलब इंटरसेक्शन तो एच और टी का इंटरसेक्शन क्या है ये बी और सी तो बी प्लस सी कितना है आपके पास इलेवन है अगला एट रीड बोथ टी एंड आई तो टी एंड आई को मिला के आठ लोग पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन बोथ मतलब इंटरसेक्शन तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा ये वाला पार्ट सी और एफ तो सी और एफ कितना है एट और लास्ट में बोला है थ्री रीड ऑल द न्यूज पेपर्स ऑल द न्यूज पेपर्स मतलब इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट आ रहा है तो so, तीनों का कॉमन पार्ट क्या है ये वाला होता है तो सी सी की वैल्यू आपको कितनी निकाली है थ्री ठीक है अब जो भी पूछा है पहले तो हम ये ई एफ सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज आ जाए ठीक है अब देखो आपको बोला है कि आ, यहां पे सी वैल्यू निकाल दी थ्री अगर मैं ये सी की वैल्यू यहां पे डाल दू थ्री प्लस एफ इज इक्वल टू एट तो एफ निकल आएगा एफ मेरे पास फाइव निकल आया अब एफ आ गया है तो मैं कुछ और भी निकाल सकती हूँ एक जगह सी और मुझे दिख रहा है ये सी प्लस डी इज इक्वल टू नाइन तो मैं डी भी निकाल सकती हूँ सी की वैल्यू थ्री डाल के तो थ्री प्लस डी इज इक्वल टू नाइन डी की वैल्यू सिक्स आ गई एक जगह मेरे को और सी दिख रहा है बी प्लस सी इज इक्वल टू इलेवन तो सी की वैल्यू थ्री डाल देती हूँ बी की वैल्यू वन आ गई अब देखो एफ सी डी बी इतना निकल आया अब मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है कि सी भी आ गया डी भी आ गया एफ भी आ गया ई e निकाल सकती हूँ तो इसमें मैं वैल्यू डाल देती हूँ तो ई आ जाएगा ट्वेल्व ठीक है अब जी रह गया तो मैं ऐसे देख सकती हूं कि इसमें जी आ रहा है तो बी सी एफ तो मुझे पता है जी की वैल्यू यहां पर निकल जाएगी तो इस इक्वेशन में डाल के जी की वैल्यू निकल आई ठीक है अब एक चीज और कि मुझे ए रह गया बी सी डी तो मुझे पता है तो ए की वैल्यू डाल बी सी डी की वैल्यू डाल दे तो ए निकल आएगी तो ए निकल आया एट अब मेरे पास सब आ गया अब बात आती है कि पूछा क्या अब फर्स्ट पार्ट में देखो उन्होंने क्या पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड लीस्ट वन ऑफ द न्यूज पेपर कम से कम वो एक न्यूज पेपर तो पढ़ते हो इनमें से तो कम से कम एक न्यूज पेपर का मतलब क्या है कि या तो वो सिर्फ ए पढ़ते हो या दोनों में से कम से कम पूछा ना तो यहां पे कॉमन पार्ट भी तो आ सकता है कम से कम मतलब एक पढ़ेंगे उससे ज्यादा तो पढ़ ही सकते हैं ठीक है तो यानी कि ये वाला पार्ट भी आ गया तो ये भी आ गया ये भी ये भी ये भी ये भी तो इसमें कुछ भी आ सकता है कम से कम एक मतलब वो एक भी पढ़ सकता है वो दो भी पढ़ सकता है वो तीन भी पढ़ सकता है ठीक है तीन ही न्यूज पेपर है तो बेसिकली ये सबका टोटल आ गया ठीक है अब अगर इसमें हम देखेंगे तो सबका टोटल यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस प्लस एफ प्लस जी सबका टोटल जो है वो सबकी अब वैल्यूज डाल दोगे तो आपके पास फिफ्टी टू आ गया ठीक है अब देखो आपको यूनिवर्सल सेट बोला था अब आप बोलोगे कि टोटल तो सिक्सटी लोग थे देखो सिक्सटी में यूनिवर्सल थे वो सिक्सटीज यूनिवर्स ठीक है तो यूनिवर्सल जो सेट था वो आपके पास सिक्सटी था यहाँ पे जो एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो वो आपके पास ये आ गया सबको प्लस करके जो आपने वैल्यूज निकाली है सेकंड आपको पॉइंट क्या पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज जो एक ही न्यूज पढ़ते हैं अब जो एक ही पढ़ते हैं वो कौन लोग होंगे देखो एच में जो सिर्फ एच ही पढ़ते हैं वो तो सिर्फ ए पार्ट हुआ ना क्योंकि ये तो कॉमन में आ गए आई में जो सिर्फ आई ही पढ़ते हैं वो सिर्फ ई e हुआ क्योंकि ये तो कॉमन में आ गए ऐसे टी में जो सिर्फ टी ही पढ़ते हैं वो तो जी हुआ क्योंकि ये तो कॉमन में आ गए यानी कि ए प्लस ई प्लस जी तो तीनों को प्लस करके ए प्लस ई प्लस जी जो आपने वैल्यू निकाली है तो वो थर्टी आ जाएगी ठीक है इस तरीके से आप इन्हें निकाल सकते हो लास्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन भी पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में आपको बोला है इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट ट्वेंटी वन पीपल लाइक प्रोडक्ट ए मतलब एनऑफ एयर ट्वेंटी वन 26 लाइक प्रोडक्ट भी एन ऑफ बी 26 सात के साथ ना जैसे पढ़ते हो आप क्वेश्चन साथ के साथ वैल्यू लिखते रहो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा 29 लाइक प्रोडक्ट सी यानी कि एन ऑफ सी कितना आ गया 29 इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी ठीक है ए एंड बी दोनों लाइक करते हैं अगर प्रोडक्ट जहां पे एंड आ जाती है यानी कि इंटरसेक्शन आपने याद रखना है एंड एंड बोथ ये दोनों इंटरसेक्शन को रिस्पोंड करते हैं और अगर और बोला हो या फिर एटलीस्ट बोला हो तो ये आपको यूनियन बताते हैं ठीक है तो आपको फोर्टीन पीपल ए एंड बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी फोर्टीन है ट्वेंटी वन पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए यानी कि सी इंटरसेक्शन ए भी ट्वेल्व है फोर्टीन पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी यानी बी इंटरसेक्शन सी फोर्टीन है एट लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स अब सार जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो लाइक करते हैं कितने लोग एट यानी कि कॉमन पोर्शन आ रहा है तो एट मतलब तीनों की इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये आपने लिख दिया अब आपको बताना है हाउ मेनी लाइट प्रोडक्ट सी ओनली सिर्फ एन ऑफ सी आपको बताना है इसको भी अगर आप वेन डायग्राम से करोगे तो इजी रहेगा तो आपने ए सेट बना लिया बी सेट बना लिया सी सेट बना लिया सबके ऐसे ही नेमिंग दे लिए अब उन्होंने एन ऑफ ए बता रखा था कि आपके पास ट्वेंटी वन है तो ए में कितने आ रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी तो हमने लिख दिया ट्वेंटी वन एन ऑफ बी बता रखा था ट्वेंटी सिक्स तो बी में आ रहा है बी सी एफ जी चारों को प्लस करके ट्वेंटी सिक्स एन ऑफ सी उन्होंने पूछा हुआ है कि कितने होंगे सॉरी सी ओनली पूछा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ सी को लाइक करते हो ठीक है जो सिर्फ और सिर्फ सी लाइक करते हैं मतलब अगर आप इस सेट में देखिए तो डी सी एफ ये नहीं होगा ना सिर्फ और सिर्फ सी लाइक करना मतलब सिर्फ इतना पोर्शन लाइक करना यानी कि ई e की वैल्यू आपको निकालनी है तो देखो ये सारी वैल्यूज तो आपको दे रखी हैं, आपको इंटरसेक्शन भी दे रखी है कि जो सिर्फ आ, मतलब बोथ वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों की ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कॉमन पोर्शन बी प्लस सी वो आपको फोर्टीन दे रखा है सी और ए की इंटरसेक्शन की डी प्लस सी वो आपको ट्वेल्व दे रखा है फिर आपको बी और सी की इंटरसेक्शन की सी प्लस एफ वो आपको फोर्टीन दे रखा है फिर आपको तीनों का कॉमन कॉमन पोर्शन जो है वो सी यानी कि ये तीनों का कॉमन पोर्शन ये बीच वाला आता है तो वो आपको एट दे रखा है आपको निकालना क्या है बेसिकली ई e निकालना है तो ई e आप निकाल सकते हैं देखो सी प्लस डी ट्वेल्व है आपके पास ठीक है यहाँ पे सी प्लस एफ फोर्टीन है अगर C की वैल्यू एट दे है, मैं यहाँ पे एट डाल सकती हूँ तो F कितना आ जाएगा यहाँ से फोर्टीन माइनस एट यानी कि एफ सिक्स आ गया अब देखो सी प्लस डी की वैल्यू ट्वेल्व बोली हुई है तो यहाँ पे सी प्लस डी की जगह इतने की जगह आप ट्वेल्व डाल सकते हो F की वैल्यू आपने सिक्स डाल दी यहाँ से E निकल आएगा ट्वेंटी नाइन में से माइनस करके तो E आपके पास यहाँ पे आ जाएगा उतने ही लोग होंगे जो सिर्फ सी प्रोडक्ट को लाइक करते होंगे ठीक है so, सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं, तो मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को एक ही लेक्चर में रखा है साथ के साथ इनको कंप्लीट कर लीजिए और कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ लीजिए आज के लेक्चर में इतना ही थैंक यू सो मच